खेल के तो शारीरिक फायदे हम सबको अच्छी तरह मालूम होते हैं कि खेल से सेहत अच्छी रहती है, इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है, बच्चों में भूख अच्छी लगती है, बच्चे जब खेलते हैं तो हाइट बढ़ती है, अगर ज़्यादा वेट है तो कम हो जाता है, अगर कम वेट है तो वेट बढ़ जाता है, पूरा फिज़िकल बैलेंस हम स्पोर्ट्स से ले सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में अब बहुत सारा रिसर्च बताता है, स्पोर्ट्स में बहुत सारे मानसिक साइकोलॉजिकल मेंटल बेनिफिट्स हैं। वो कौन से? स्पोर्ट्स से इंटेलिजेंस बढ़ता है। आज के ज़माने में आप स्कूल में फर्स्ट आ गए, आप कॉलेज में फर्स्ट आ गए, इसका कोई मकसद नहीं है। आज के ज़माने में आप इमोशनली कितना इंटेलिजेंट है, आप आपके भावनाओं पर कितना अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं, आप आपका भावनाओं का कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सक्सेस मिलती है रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें। और ये देखा गया है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो आज का बजवर्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, और स्पोर्ट्स खेलने से इमोशनल इंटेलिजेंस में बढ़त होती है। कहा जाता है ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी डिप्रेशन की है, निराशा की है, हताशा की है, और डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारे मेडिसिन्स है, लेकिन अगर हमें डिप्रेशन का मुकाबला बहुत अच्छी तरह से करना है तो अगेन द आंसर इज स्पोर्ट्स। जो बच्चे खेलते हैं वो पूरे ये जो निगेटिव इमोशंस है, जैसा अग्रेशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको बहुत अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हैं, ये स्पोर्ट्स की रिसर्च ने दिखाया है। हम साइकोलॉजी में तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप एक दिन मैदान पे नहीं आए, नहीं खेले, तो उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम पेरेंट्स को ये बहुत अपील करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे लेके आओ। बच्चे पढ़ाई करेंगे ही, जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे वैसे उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वैसे उनका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगा, वो पढ़ाई में ये कंसंट्रेशन, ये ग्रास्पिंग का उपयोग कर सकेंगे।